ग्वालियर डबरा हाईवे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौवंश की सुरक्षा को लेकर चक्का जाम किया। यह चक्का जाम करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहा, जिसके कारण दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और उन्हें थाने भेज दिया, जहाँ 50 से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। दरअसल गौवंश सड़कों पर बैठता है, जिससे वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। इसके साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को हटाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि एसडीएम ने गौ तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू संगठनों की बात नहीं सुन रहे। इसके लिए ये है कि प्रशासन मस्त है और बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौ सेवक त्रस्त है। इस प्रकार से चरम पे है कि एसडीएम अपने आप में ही जो करना चाहता है वो कर रहे हैं। गौ तस्करी के लिए वो जंगलों में गाय छोड़ना छोड़ रहे हैं, हर प्रकार की अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, गौ सेवकों ने, और उन्होंने कार्रवाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हम गौ माता के लिए न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जो हाईवे पे गायों के समूह है जो हाईवे पे बैठी रहती है, तो अक्सर ये चीज़ देखने में आ रही थी कि रात के समय जो गायें हैं उन पर हाईवे पर दुर्घटना में कभी कभी मृत्यु हो जाती है। इसी मांग को लेकर जो गौ सेवक हैं और बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा गायों के समुचित प्रबंधन के लिए और उनकी उचित देखभाल करने के लिए, उनकी एक प्रॉपर उनकी व्यवस्था करने के लिए कुछ मांगें की गई, और कह सकते हैं मांग की सुनवाई न होने की वजह से उन्होंने